स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्ट वाइज समरी ऑफ द प्ले एक्सप्लेन करूंगा। और यह एक्ट है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, जिसकी समरी पूरे लेसन की समरी मैं पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। अब मैं एक्ट वाइज समरी एक्सप्लेन करूंगा। और एक्ट वन में कुल तीन सीन हैं, वन बाय वन तीनों सीन को मैं एक्सप्लेन करूँगा। और इसके पहले कि आप पढ़ाई में लीन हो जाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करें। और वीडियो में आप क्या कुछ चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। एक्ट वन सीन वन। एज द प्ले ओपन वी गेट एंटोनियो संक इन टू वरी एंड सारो। जैसे ही नाटक की शुरुआत होती है, हम पाते हैं कि एंटोनियो दुख और चिंता में डूबा हुआ है। मतलब जो नाटक का सीन है, उस सीन में एंटोनियो को दिखाया गया है, वह बहुत दुखी है और चिंतित है। द रीजन ऑफ सैडनेस इज हिज मर्चेंडाइज ऑन द सी। और उसकी चिंता का, उसके दुख का कारण है उसका व्यापार जो समुद्र में फैला हुआ है। हिज फ्रेंड्स सेलेनियो एंड सलारिनो परसूड हिम सेइंग दैट लाइफ मीन्स टू एंजॉयमेंट। उसके मित्र हैं, दो मित्र भी हैं रंगमंच पे, एक का नाम है सेलेनियो और दूसरे का नाम है सेलारिनो। दोनों उसको समझाते हैं कि जीवन का मतलब आनंद लेना है, आनंदित होना है। इट इज नॉट ए थिंग टू टेक सीरियसली। यह गंभीरता से लेने का विषय नहीं है। जीवन में किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इट शुड बी टेकन लाइटली विथ फुल प्लीजर एंड प्लेजर। हमें जीवन को बहुत ही हल्के से लेना चाहिए। और ये जो लाइफ है, इसे हम बहुत चिंतित होके, परेशान होके न लाइफ को जिएं, हल्के में लें और खुशी के साथ जिएं और शांति के साथ जिएं, सहज होके जिएं। लीजर का मतलब तो ऐसे खाली समय होता है, तो मतलब भागम भाग न रखें, हल्का फुल्का रहे। आफ्टर दिस सेलेरिनो एंड सेलेनियो लीव द सीन एंड बेसेनियो लोरेंजो एंड ग्रेटेनियो इंटर। इसके बाद सेलेरिनो और सेलेनियो दोनों ही चले जाते हैं। और यहाँ पे बेसेनियो लोरेंजो ग्रेटेनियो की एंट्री होती है या आते हैं। एंटोनियो टेल्स देम लाइक ए फिलोसफर। अब एंटोनियो बोलता है, एक दार्शनिक की भांति बोलता है उन लोगों से जो अभी अभी आए हैं। आई होल्ड द वर्ल्ड बट एज द वर्ल्ड ग्रेटेनियो ए स्टेज वेयर एवरी मेनी मस्ट प्ले ए पार्ट एंड माइन ए सैड वन। मैं संसार को देखता हूँ, समझता हूँ ठीक वैसे ही जैसा कि गेटेनियो। ए स्टेज वेयर एवरी मेनी मस्ट प्ले ए पार्ट। यह संसार जो कि एक रंगमंच है, जहाँ पे हर कोई एक किरदार है इस नाटक का, मतलब इस रंगमंच, संसार रूपी जो रंगमंच है, उस रंगमंच में हर कोई एक किरदार है। एंड माइन ए सैड वन। और इन किरदारों में से मैं एक दुखी किरदार हूँ। अगेन ही इंक्वायर्स वेसेनियो अबाउट द रिच लेडी हु लिव इन बेलमॉन्ट होम ही वांट्स टू वेड। इसके बाद वह फिर से बेसनियों से
उस धनी महिला के बारे में पूछता है, जिससे कि जो कि बेलमोंट में रहती है और जिससे बेसेनियो शादी करना चाहता है। बट ड्यू टू शॉर्ट ऑफ मनी ही इज अनेबल टू मीट हिज डिजायरेबल ऑब्जेक्ट। लेकिन पैसे की कमी के चलते वो अपने डिजायरेबल ऑब्जेक्ट का यह मतलब है कि अपनी प्रेमिका से मिलने में असमर्थ है, अपनी चाहत से मिलने में असमर्थ है। एट दिस एंटोनियो सजेस्ट्स हिम टू फाइंड आउट ए मनी लेंडर ऑफ वेनिस हु कैन लेंड हिम मनी। और इस पर एंटोनियो सलाह देता है बेसेनियो को कि वेनिस में किसी साहूकार को खोजो जो हमें पैसे उधार दे सके। इट इज परहैप्स द बेस्ट सोल्यूशन टू मीट हिज पर्पस। और संभवतः यह सबसे अच्छा, सबसे बेहतर समाधान होगा हमारी समस्या का। मतलब जो हमारी समस्या है, जो हमारा उद्देश्य है, उसका समाधान यही है कि हम किसी साहूकार से कर्ज ले लें। ही कंसोल्स हिम दैट ही विल बी एबल टू रीपे द लेंडेड मनी इन टाइम। और इसके साथ ही साथ एंटोनियो बेसेनियो को सांत्वना देता है, सब्र बांधता है कि वह कर्ज की मनी को समय रहते चुका देगा। यहाँ पे सीन 1 समाप्त होता है, पहला दृश्य खत्म होता है। अब सीन 2 या दृश्य 2 पे आते हैं। पोर्सिया इज टॉकिंग विथ हर मेड नेरिसा। इस सीन में दिखाया गया है कि पोर्सिया अपनी मेड या नौकरानी नेरिसा से बात कर रही है। नेरिसा सेज टू पोर्सिया दैट शी कैन नॉट मैरी अकॉर्डिंग टू हर ओन विल एंड डिजायर बिकॉज शी इज कंपेल्ड टू फॉलो हर लेट फादर्स इंस्ट्रक्शन इन दिस कनेक्शन। नेरिसा पोर्सिया से कहती है कि वह शादी नहीं कर सकती अपनी इच्छा के अनुसार, क्योंकि वह बाध्य है अपने स्वर्गीय पिता के दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए शादी के मामले में। मेनी प्रिंसेस एंड मैन ऑफ प्रॉपर्टी केम टू हर बट ऑल वॉज इन वेन। बहुत से राजकुमार और बहुत से लोग जो धनी संपदा रखते थे, संपन्न थे या बहुत धनी धनिक थे, वे आए लेकिन वे सभी व्यर्थ साबित हुए। मतलब जो शर्तें रखी गई थीं, वे शर्तें पूरा नहीं की जा सकी किसी भी राजकुमार के द्वारा या किसी अन्य धनाढ्य व्यक्ति के द्वारा। पोर्सिया सेज दैट हुज ओवर चूज द राइट बॉक्स सी विल मैरी हिम। पोर्सिया कहती है कि जो कोई भी सही बक्सा, सही डिबिया, बॉक्स से या मतलब छोटी डिबिया से है, सही डिबिया चुनेगा वही उससे शादी करेगा। फॉर दिस पर्पज देयर वेर 3 बॉक्सेस ऑफ गोल्ड, ऑफ सिल्वर, ऑफ लेड। और इस उद्देश्य से यहाँ पे 3 डिबिया हैं, एक सोने की है, एक चांदी की है और दूसरी टीन की है। इन वन ऑफ देम द पिक्चर ऑफ पोर्सिया वॉज केप्ट। और इन तीनों में से एक में पोर्सिया की तस्वीर रखी हुई है। डिक्टमस कंटेनिंग रिफ्लेक्टिंग मीनिंग वेयर रिटन देयर। यहाँ पे वचन की प्रतिबद्धता की बात को दिखाई गई है कि जैसी जैसा वचन दिया गया था उसको निभाना है। 6 कैंडिडेट्स केम टू ट्राई एंड रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। 6 लोग आए, 6 उम्मीदवार आए लेकिन खाली हाथ ही गए। मतलब पोर्सिया का हाथ उनके हाथ में नहीं आया। ऑल ऑफ देम रिमेंड अनसक्सेसफुल। वे सभी ही असफल रहे। ओइंग ऑफ दिस
Portia always plunges into sorrow and sadness. इन कारणों से पोर्सिया हमेशा ही दुख और उदासी में डूबी रहती थी. She herself preferred to Bassanio and also likes him from her very core. और वह स्वयं बेसनियो को तवज्जो देती थी और उसे पसंद करती थी हर दृष्टिकोण से. Fortunately, Bassanio becomes successful in choosing the right box of lead. और सौभाग्य की बात है, सौभाग्य से बेसनियो टीन के डिबिया को चुनने में सफल हुआ. मतलब उसने टीन की डिबिया को चुना जिसमें पोर्सिया की तस्वीर थी. द फोटो ऑफ पोर्सिया वॉज केप्ट इनसाइड दिस. और पोर्सिया की तस्वीर इस डिबिया में रखी हुई थी. दस पोर्सिया फाइंड्स बेसनियो एज हर डिजायरेबल हस्बैंड. और इस प्रकार से पोर्सिया ने अपने इच्छित वर की प्राप्ति की. मतलब जिसको चाह रही थी उसको पति के रूप में या वर के रूप में पाया पाई. अब सीन टू भी खत्म हो गया. हम सीन थ्री पे आते हैं. तीसरा दृश्य यहाँ से शुरू हो रहा है नाटक का. इसमें क्या कुछ दिखाया गया है. इन दिस सीन वी आर इंट्रोड्यूस्ड विथ साइलॉग, ए जीव हु इज कंपोजिट ऑफ वाइस एंड वर्चू, गुड एंड एविल. तीसरे दृश्य में हम साइलॉग्स को देखेंगे, साइलॉग से परिचित होंगे, साइलॉग को जानेंगे. और यह साइलॉग के बारे में बताया गया है कि यह एक यहूदी है. जू मतलब यहूदी. और यह गुणों और अवगुणों का संयोजन है. मतलब इसके अंदर गुण भी हैं और अवगुण भी हैं. गुड एंड एविल, अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी. तो तीसरे सीन में, तीसरे दृश्य में साइलॉग है, साइलॉग को दिखाया गया है. यह गुणों और अवगुणों साथ ही साथ अच्छाइयों और बुराइयों का संयुक्त रूप है. हिज बिजनेस इज टू लेंड मनी ऑन हाई इंटरेस्ट. और उसका जो धंधा है वो ब्याज पर, ऊंचे ब्याज पर कर्ज देने का है. इन दिस वे ही हैज एक्यूमुलेटेड ए लॉट ऑफ मनी एंड टर्न वेरी रिच. और इस तरीके से उसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया था और बहुत ही धनी हो गया था. साइलॉग इज ए ग्रेट माइजर एंड टाइट फिस्टेड. साइलॉग एक बहुत बड़ा कंजूस. एंड टाइट फिस्टेड का मतलब भी कंजूस ही होता है. मतलब बहुत कस के मुट्ठी बांधने से मतलब है कि उसकी मुट्ठी से पैसा जल्दी निकलता नहीं था, इतना कंजूस था. हिज बिजनेस इज ऑफ ए यूजरल. और उसका जो धंधा है वह सूदखोरी का है. बेसिनियो गोज टू हिम टू लेंड एंटोनियो 3000 ड्यूकेट फॉर 3 मंथ. बेसिनियो उसके पास जाता है टू लेंड एंटोनियो 3000 ड्यूकेट फॉर 3 मंथ. एंटोनियो के लिए 3000 ड्यूकेट का कर्ज लेने के लिए और 3 महीने के लिए कर्ज लेना है. एट दिस साइलॉग से दैट इट इज द सेम एंटोनियो हु यूज टू कॉल हिम साइलॉग ए डॉग, ए कर, ए मिसबिलीवर एंड व्हाट नॉट. और इस पर साइलॉग कहता है ये जो एंटोनियो है उसको से मतलब साइलॉग को, मतलब कहता है कि साइलॉग कहता है कि एंटोनियो मेरे बारे में जो कहा है, जो मुझे कहता है, ए डॉग एक कुत्ता, एक कर एक कायर कायर व्यक्ति, मिसबिलीवर मतलब अविश्वसनीय व्यक्ति, एंड व्हाट नॉट और क्या कुछ नहीं. नाउ ही आस्क हिम हैथ ए डॉग मनी. और अब वह
पैसा लेने के लिए बाध्य हुआ है। इट इज पॉसिबल ए कर कैन लैंड 3,000 ducat, क्या यह संभव है कि एक कायर व्यक्ति 3,000 ducat का कर्ज दे देगा। However, he always remained calm and unshaken because endurance is his racial characteristic. जो भी हो वो हमेशा शांत रहता है और सहज रहता है, घबराता नहीं है, क्योंकि उसकी जो सामर्थ्य है उसका जातीय गुण है। ही सेज दैट इन स्पाइट ऑफ ऑल इंसल्ट एंड डिसग्रेसेस ही विल लेंड एंटोनियो द मनी, बट फॉर दिस एंटोनियो हैज़ टू राइट ए बॉन्ड कंटेनिंग सम टर्म्स एंड कंडीशन। इसके बाद कहता है कि इस सब के बावजूद भी, मतलब उसने मुझे जो गालियाँ वगैरह दी हैं, अपमान किया है, नाराजगी है, उसके बावजूद भी मैं एंटोनियो को पैसे कर्ज दूंगा, जो धन उसको चाहिए वो मैं कर्ज के रूप में दूंगा, लेकिन एक बॉन्ड होगा, एक शर्त होगा, और उसमें बॉन्ड में कुछ शर्त होगा, तो शर्तों के अनुसार मैं एंटोनियो को कर्ज दूंगा। इन द बॉन्ड साइलॉग मेड ए प्रोविजन दैट इफ ही फॉर एंटोनियो है fails to repay the lended money in time, he will be agreed to get a pound of flesh being cut off from any part of his body. और साइलॉक ने बॉन्ड में कुछ ऐसे नियम बनाता है, ऐसे शर्तें रखता है, यदि वह यहाँ पे एंटोनियो के लिए लिखा गया है, यदि एंटोनियो समय निर्धारित समय के अंदर पैसा चुका पाने में असफल हो जाता है, तो मैं उसके शरीर से किसी भी हिस्से से 1 pound मांस काट लूँगा। यह शर्त रखता है कि अगर एंटोनियो समय रहते पैसा नहीं चुकाएगा तो अपने शरीर से किसी भी हिस्से से 1 pound मांस काटने की अनुमति देगा। बेसेनियो पजल्ड टू हियर दिस, बट एंटोनियो गिव्स हिम सोलेस।